हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बात कर रहे थे हम BRS की, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। हमने बेटा दो इल्ली कर लिए हैं, दो इलस्ट्रेशन कर लिए हैं बेटा। आज बेटा 3, 4 और 5 इलस्ट्रेशन और करने हैं हमारे को। बाबू चैप्टर फिनिश करेंगे बस, अब मतलब होमवर्क मुझे लगता है दबा दबा के देखे ख़त्म करता हूँ ये। लो बेटा बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3, 4, 5 की। मैं बहुत तेज़ी से करूँगा, आप मेरे साथ साथ हो बेटा, ठीक है ना। एक एक बच्चा एक एक एडजस्टमेंट बताता जाएगा लाइन से, ठीक है। सबसे पहला नंबर लगा देते हैं मान्या का। मान्या वहाँ से स्टार्ट हो रहे हम, ठीक है। मान्या बताओ जी, बैंक कॉलम सबसे पहले आप ही रीड करो, क्या दे रखा है और क्या करूँ, बैलेंस फेवरेबल है एडवर्स है, क्या करूँ। फेवरेबल है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। चलो जी, लो बेटा फेवरेबल बैलेंस है। सीरियल नंबर आपकी मर्जी है, लिखना हो लिख लेना, नहीं लिखना हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा। आप मेरे साथ साथ सॉल्व करते रहना, जब मैं लिखूँ तब आप भी लिखते रहो, वरना होमवर्क डबल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। मेरे साथ साथ लिखते रहना, जब मैं लिखता रहूँ तब आप लिख रहे हो। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक फेवरेबल है, ये मुझे मान्या ने बताया। 8250 खुशी। आउट ऑफ टोटल चेक अमाउंटेड टू ₹8,000, चेक इशूड टू 50, चेक अमाउंटिंग टू 5800 हैव बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू 30th जून 2016। क्या क्या हुआ खुशी? कशिश बाबू अमाउंट जी, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो एक मेरी बात सुनो, इधर देखना, मेरी तरफ, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ आना, सामने देखो। मैंने 8000 के चेक इशू करे, मैंने बेटा अपनी कैश बुक को 8000 से कम कर दिया। कोई सप्लायर आया मैंने चेक काट के दे दिया, दूसरा सप्लायर आया मैंने चेक काट के दे दिया। मैं चेक इशू करी जा रहा हूँ, 8000 के चेक मैं इशू कर चुका हूँ। कहता है 30th जून तक 5800 के चेक बैंक में प्रेजेंट हो चुके हैं। यानी कि बेटा अगर बैंक में 5800 के चेक लोग लेकर पहुँच चुके हैं तो बेटा ये तो रिकनसाइल करना ही नहीं है ना मुझे 5800। मैं तो मान के चल रहा हूँ 8000 का 8000 पे हो चुका होगा, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ। कहता है 30th जून तक 5800 के चेक प्रेजेंट हुए हैं, यानी कि 2800 के प्रेजेंट नहीं हुए, मुझे तो रिकनसाइल 2200 करना है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट येट। मैं कहता हूँ बंदे मैंने तो स्टेटमेंट हर क्वेश्चन में एक एक बार लिखी है, कम से कम आपको स्टेटमेंट तो बताओ जी मैं क्या लिखता हूँ। चेक आपने इशू करा लेकिन पेमेंट के लिए अभी प्रेजेंट नहीं हुआ, वो 2200 है। ये तो पेमेंट के लिए प्रेजेंट हो ही गया, क्या प्रेजेंट नहीं हुआ 2200, यानी कि मेरी कैश बुक 2200 से कम होगी। तो क्या करना है बेटा देख लो, मैंने 8000 माइनस किया होगा कैश बुक में जब मैंने चेक इशू किया होगा, बैंक में अभी 5800 ही प्रेजेंट हुए हैं, ठीक है ना बेटा। अभी भी 2200 से कैश बुक मेरी कम चल रही है ना, तो बढ़ा दो बेटा। और बढ़ाने तो कहाँ रिकॉर्ड करो बेटा, प्लस साइड रिकॉर्ड कर दो। क्या लिखूंगा मैं बेटा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। स्नेहा सेकेंड वन, आउट ऑफ द टोटल चेक अमाउंटेड टू ₹6,000 सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, चेक ऑफ 4100 वर क्लियर्ड इन अ पासबुक अप टू 30th जून 2016। अब घुमा फिर आके स्टेटमेंट दे रहा है, आपको एनालाइज करनी है। हाँ जी सैम, आस्क नीचे करके। हाँ बताओ कितने रुपए से,
बेटा देखो 1900 देख सामने देख, चेक सेंड फॉर कलेक्शन, बेटा मेरे पास चेक आया, मैंने बैंक में भिजवा दिया, 6000 के चेक आए। जैसे ही मैंने भिजवाए बेटा, मैंने तो रिकॉर्ड कर दिया, मेरी तो कैशबुक बढ़ गई 6000 से, मैंने तो ये माना। कहता है लेकिन अभी तक 4100 के ही चेक क्लियर हो पाए हैं, पासबुक में 4100 ही क्रेडिटेड हो पाए हैं, यानी कि बेटा अभी तक 4100 ही पासबुक में प्लस हुए होंगे। आप देखो बेटा, मैंने 1900 से कैशबुक को प्लस फालतू कर रखा है, क्या करूं, कम कर दो 1900 से। अगेन मैं बोलता हूं बेटा, स्टेटमेंट तो याद करो, हम क्या लिखते थे, चेक सेंड फॉर कलेक्शन बट नॉट येट कलेक्टेड और क्लियर्ड, बट नॉट येट कलेक्टेड और क्लियर्ड, कितने के क्लियर नहीं हुए, कितने के प्रेजेंट नहीं हुए। उसने जान के प्रेजेंट हुए वे दे रखे हैं बेटा, क्लियर हुए वे दे रखे हैं। आप ये देखो कितने क्लियर नहीं हुए, कितने लोगों ने बेटा चेक प्रेजेंट नहीं करा अभी तक पेमेंट के लिए, ये देखो आप, ठीक है ना। फिर मैं बोल रहा हूं, रटो मत, फंस जाओगे, ये अकाउंट्स है। जब आप रटना शुरू करते हो तो उल्टी गिनती शुरू हो जाती है आपकी, ठीक है जी। चलो जी, चेक सेंड फॉर कलेक्शन, बट नॉट येट कलेक्टेड, अगर किसी ने, अब बच्चे तो हमारे यहाँ के बहुत बढ़िया होते हैं, हम क्या करते हैं, पहला पैराग्राफ, टीचर कहती है कि एक पैराग्राफ सारे रीड करेंगे, पहला दूसरा मेरा दसवां नंबर, दसवां पैराग्राफ पढ़ना शुरू कर लेना, मैं सारी प्लानिंग फेल कर दूंगा। हाँ जी ऐसे ही करते हैं ना हम, मान्या ह्यूमन टेंडेंसी है ये। चलो हरनीत, थर्ड वन, ऑन 18th June अ कस्टमर डिपॉजिटेड 3500 डायरेक्ट इन अ बैंक अकाउंट बट इट वॉज एंटर्ड ओनली इन अ पासबुक। कैशबुक कम है, सही करने के लिए क्या करूं, कैशबुक को प्लस कर दो, ठीक है जी। ये तो सिंपल है, डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन टू बैंक, राघव तनेजा, डेबिट साइड ऑफ अनिल्स कैश बुक हैज बीन ओवरकास्ट बाय 100, पासबुक का तो कोई मैटर ही नहीं है यहां। अच्छा मतलब क्या समझा, मुझे मतलब समझा दे, छोड़ दे कैशबुक क्या है पासबुक क्या है, इस लाइन का मतलब बता। कौन सी डेबिट साइड है, कौन सी होती है कैशबुक के डेबिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड, मैं उसे कुछ स्पेशल नाम से बुलाता हूँ, डैश साइड। बेटा कैशबुक की डेबिट साइड रिसीट साइड होती है, आपको याद है बेटा, हम हमेशा बोलते हैं ये रिसीट है। कहता है रिसीट ओवरकास्ट है बाय रुपी 100, रिसीट 100 रुपये से ज़्यादा है, अगर ये ज़्यादा है बेटा इसका मतलब बैलेंस शीट भी ज़्यादा निकाला होगा, तो बेटा कैशबुक ज़्यादा चल रही होगी 100 रुपये से, कैशबुक ज़्यादा चल रही होगी पासबुक कम चल रही होगी, कैशबुक ज़्यादा चल रही है ठीक करने के लिए क्या करो, कम कर दो, यानी कि बेटा माइनस साइड रिकॉर्ड कर दो, ओके ना बात बेटा। चलो जी बेटा रिकॉर्ड करो, डेबिट साइड ऑफ कैशबुक वाज ओवरकास्ट। चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा, सान्या, नो एंट्री हैज बीन मेड इन अ कैशबुक फॉर रेंट 800 पेड बाय द बैंकर अकॉर्डिंग टू द अनिल स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन। बेटा बैंक ने क्या करा, रेंट पे कर दिया, अनिल ने SI लगवाई भी थी लेकिन अनिल ही कैशबुक में रिकॉर्ड करना भूल गया, बैंक ने उसके ब्याह पर रेंट पे भी कर दिया, पासबुक कम भी कर दी और अनिल बेटा अपनी कैशबुक बढ़ाकर बैठा हुआ है, जब रिकनसाइल करने बैठा हो रेंट पे कर दिया बैंक ने, ऐसे उसको समझ में आया। तो बेटा जब बैंक ने रेंट पे कर दिया होगा तो पासबुक कम होगी, कैशबुक ज़्यादा होगी, कैशबुक ज़्यादा है तो बेटा ठीक करने के लिए कैशबुक को कम कर दो। लो जी बेटा रेंट पेड, मान्या द पासबुक शोड अ क्रेडिट ऑफ 320 फॉर इंटरेस्ट
एंड अ डेबिट ऑफ 480 फॉर बैंक चार्जेस बट दीज हैव नॉट बीन एंटर्ड इन अ कैश बुक, क्या करूँ पुत्र? और 40। अच्छा, बैंक का क्रेडिट का मतलब क्या होता है? नहीं, उसने बोला ना द पासबुक शोड अ क्रेडिट ऑफ 320 फॉर इंटरेस्ट, बैंक ने क्रेडिट कर दिया, मतलब बैंक ने प्लस कर दिया, पासबुक बढ़ गई। सर, बैंक जब पैसे देता है तो क्रेडिट करता है, ठीक है ना, जबकि हम डेबिट करा करते हैं कैशबुक में। कहता है बैंक ने 320 क्रेडिट कर दिए, बैंक ने 320 क्रेडिट कर दिए, उसने पासबुक बढ़ा दी जबकि कैशबुक कम है, तो बेटा क्या करो, कैशबुक को भी बढ़ा दो, तो 320 तो बेटा ऐड होने वाले हैं, ठीक है ना। 40 का क्या, माइनस होएंगे बेटा, बैंक ने डेबिट कर दिए बैंक चार्जेस के, यानी कि बेटा हमारी बैंक बैलेंस बैंक की बुक्स में कम हो गया, पासबुक कम होगी, कैशबुक ज़्यादा शो कर रही होगी, सही करने के लिए बेटा कम कर दो, तो 320 हो गया बेटा हमारा इंटरेस्ट, और बेटा 40 हो गए बैंक चार्जेस। बैलेंसेस निकालेंगे बेटा, बाबू प्लस साइड ज़्यादा आ रही है, अगर कैशबुक मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था तो मुझे ख़त्म पासबुक पे करना है, और क्योंकि प्लस साइड ज़्यादा आ रही है इसलिए मैं लिखूँगा फेवरेबल या क्रेडिट बैलेंस इन या क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। लो बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 3 यहीं फिनिश हो जाता है, इलस्ट्रेशन 4 स्टार्ट करेंगे, नंबर सबका आएगा बेटा और कम से कम दो दो बार आएगा आज, ठीक है जी। चलो जी इलस्ट्रेशन 4 स्टार्ट करेंगे, पहले मैं सब रब कर देता हूँ फिर बताता हूँ स्टार्ट कौन करेगा। ये खुशी स्टार्ट कराओ जी क्वेश्चन। हाँ जी बाबू, क्या करूं, कहाँ शो करूं? फेवरेबल आइटम में बेटा शो कर दो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अंशी का अ चेक ऑफ रुपी 500 इशूड इन फेवर ऑफ करण हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। बेटा जब मैंने करण को चेक इशू करा तो मैंने तो बेटा कैशबुक से 500 कम कर दिए, लेकिन बेटा करण अभी तक बैंक में ही नहीं पहुंच पाया, कोई भी वजह रही तो बेटा मेरी कैशबुक कम होगी पासबुक ज़्यादा होगी, ठीक करने के लिए क्या करेंगे बेटा कैशबुक को बढ़ा देंगे 500 से। लो जी लिखो आप ही फटाफट से अपनी कॉपी में, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। नेक्स्ट वन शिवांग, बड़ा गलत फंस गया यार, चल पढ़। अ बिल ऑफ 700 रिटायर्ड बाय बैंक ऑन आर बिहाफ अंडर आर रिबेट ऑफ 20 रुपी, द फुल अमाउंट ऑफ बिल वॉज क्रेडिटेड इन अ कैश बुक। ये बड़ा गलत फंस गया यार, लेकिन कोशिश कर। क्या है फिर, क्या हुआ बिल पेबल में? रिबेट क्या होता है? वो बीआर होता है। हैं कैशबैक, पेटीएम कैशबैक है ये।
वो ना नीचे करके बता रहे, ऐसा समझ नहीं आ रहा। सुन लो मुझसे, सुन लो सही बात, गलत बोलते रहोगे गलत सीखते रहोगे। कहता है अ बिल फॉर 700 रिटायर्ड बाय बैंक। रिटायर्ड बाय बैंक मीन्स पेड बाय बैंक। बेटा बैंक ने पे करा एक बिल ऑन आर बिहाफ, खर्चा हमारा था, हमने बैंकों का, तो बैंक ने पे कर दिया अंडर आर रिबेट ऑफ 20 रुपीज। रिबेट मीन्स डिस्काउंट। बेटा सिंपल सी बात बताता हूँ, मेरी तरफ देखना। एक क्रेडिटर था मेरा, उसने कहा कि मुझे आपके ऊपर विश्वास नहीं है कि आप मेरे बिल के पैसे नहीं दोगे। मैंने कहा तू बिल लिख दे भाई, तुझे लगता है मैं तेरे पैसे नहीं दूंगा? मैं जहाँ बुलाएगा मैं कोर्ट में साइन करने आ जाऊँगा कि मैंने तेरे पैसे देने। मैंने बेटा जाके साइन कर दिए कि मुझे तेरे पैसे देने हैं। मैंने बैंक को कहा बैंक पे कर दो, उसको 700 देने थे, मैंने कहा बैंक 700 पे कर दो। बेटा जब बैंक पे करने लगा, क्रेडिटर ने डिस्काउंट दे दी, क्रेडिटर ने कहा 680 पे कर दो। तो बेटा 20 रुपये डिस्काउंट मिली, यानी कि बैंक से पैसे सही मायने में माइनस हुए 680। और कहता है आपने कैश बुक में क्रेडिट कर दिए। कैश बुक में क्रेडिट का मतलब समझते हो ना, माइनस करना। हमने माइनस कर दिए 700, यानी कि बेटा मैंने कैश बुक में 700 माइनस कर रखे होंगे, जबकि मेरे बैंक से सिर्फ 680 ही कटे हैं, क्योंकि बेटा रिबेट दे दी थी क्रेडिटर ने। तो बाबू 20 रुपये से कैश बुक कम है, ठीक करने के लिए क्या करूँ, 20 से बढ़ा दूँ? देखना बेटा नीचे यही लिखा गया होगा, बिल रिटायर्ड बाय बैंक अंडर रिबेट। समझ आई बेटा सारी बात? एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूं भाई, देख बाबू। कहता है बैंक ने एक बिल रिटायर करा, रिटायर का मतलब है पे करा ऑन आर बिहाफ, हमारे बिहाफ पर, अंडर आर रिबेट। रिबेट मीन्स डिस्काउंट, ठीक है? जितने टेक्निकल वर्ड थे मैंने सबका एनालिसिस कर दिया। रिटायर्ड वर्ड मतलब पेड है, रिबेट का मतलब डिस्काउंट है। बाबू यानी कि किसी ने मेरे ऊपर बिल लिखा होगा और मैंने जब साइन करके दिया होगा तो मैंने लाइबिलिटी बनाई होगी बिल पेबल। क्रेडिटर को बुक से खत्म कर दिया होगा, नाम लिखा होगा बिल पेबल, मेरे को बिल पे करना है। और जब उसकी डेट आई मैच्योरिटी की तो मैंने बैंकों का कर दो पे, मुझे तो देना ही है, मैं तो ईमानदार आदमी। मैंने अपने बैंक अकाउंट से पे करने की कोशिश करी, क्रेडिटर ने बेटा रिबेट दे दी, डिस्काउंट दे दी, और बेटा वो डिस्काउंट 20 रुपये की है। यानी कि बेटा जब बैंक ने पे करा तो 700 पे नहीं करा, 680 पे करा। और क्वेश्चन कहता है कि आपने 700 क्रेडिट कर दिया कैश बुक में, यानी कि मैंने तो ये मान लिया कि 700 के 700 पे हो गए, ठीक है ना? तो कैश बुक में 700 कम करा हुआ है बेटा, बैंक से एक्चुअलिटी में 680 गया, तो 20 रुपये से कैश बुक कम चल रही होगी। ठीक करने के लिए क्या करूं, प्लस कर दो। ओके बात अभी खत्म नहीं हुई शिवांग, आपकी टर्न, आगे बढ़ो जी। अ चेक ऑफ 2, ये पिछली बार भी आया था तेरे ऊपर और 100% तेरे ऊपर ही आया था। अ चेक फॉर 295 डिपॉजिटेड इन अ बैंक हैज बीन डिसऑनर्ड। बेटा कैश बुक ज्यादा होगी, देखो सुनो, हम मान के चलते हैं हर चेक ऑनर होगा। मेरे पास 295 का चेक आया, मैंने बेटा कैश बुक का बैलेंस बढ़ाया और भेज दिया बेटा बैंक में, पता लगता है बेटा वो वहां से डिसऑनर्ड हो गया। कैश बुक में बेटा 295 मैंने बढ़ा रखे होंगे और बैंक तो बढ़ाएगा ही नहीं, क्योंकि डिसऑनर्ड हो गया बेटा, तो कैश बुक ज्यादा चल रही होगी। तो क्या करूं बेटा, कैश बुक को कम कर दो। तो बेटा 295 से हम इसे कम कर देंगे, चेक डिसऑनर्ड, चेक डिसऑनर्ड। चलो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं बेटा। बाबू एक सेकेंड, नेक्स्ट वन ये बताएगा वंश, अ सम ऑफ 800 डिपॉजिटेड इन अ बैंक हैज बीन क्रेडिटेड एज 80 इन अ पासबुक। बैंक से गलती हो गई, होती रहे, आप तो एनालिसिस करो मीनिंग क्या है। ₹800 बैंक में जमा करे लेकिन बैंक ने 80 क्रेडिट कर दिए, बस यही सोचना होता है कि कैश बुक कम है या ज्यादा है, पासबुक ज्यादा है या कम है। मत बोल, अपनी बारी में नहीं बोला जाता। ये
बेटा बिल्कुल, देखो जब आपने 800 रुपए बैंक में जमा करने के लिए भेजे तो आप तो 800 से ही बढ़ाओगे ना बेटा कैशबुक को, और बैंक ने क्या करा 80 क्रेडिट करे यानी कि 80 बढ़ाए, तो बेटा 720 रुपए से आपकी कैशबुक बढ़ी हुई है 720 रुपीज से, ऐसा ही है ना। तो बेटा हम क्या करेंगे 720 से कम कर देंगे, कितना आसान है ये, ठीक है ना। तो 720 से बेटा आप कम कर दोगे, क्या लिखोगे बेटा, सॉरी डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट रॉन्ग अमाउंट क्रेडिट बाय बैंक। चलो जी बेटा आगे बढ़ते हैं, अब दोबारा से शुरू करेंगे टर्न। खुशी पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक हैज बीन अंडर कास्ट बाय 200। अंडर कास्ट का मतलब कम है बाबू, मुझे समझ नहीं आया, मास्क नीचे करके बताओ, समझ ही नहीं आ रहा, तेज बोलो थोड़ा सा। अगर मतलब वो तो आप बताओ ना, अगर मगर मुझे तो पता नहीं बेटा, बारिश आ रही है मगर ही ना आ जाए बेटा। खुशी सबसे वीक आप चल रहे हो, यकीन मानना मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं आपको कुछ कहता नहीं, लेकिन बेटा ये कहानी ऐसे अकाउंट्स चलेगी नहीं, बिल्कुल एक स्टेप नहीं चलेगी जिस हिसाब से आप रटते हो चीज़ों को। मैं समझा समझा के थकता हूँ, आप रट रट के नहीं थकते, माने क्या होगा आप पता है क्या बोल रहे थे, कैशबुक कम है तो बढ़ा दो। आपको पता भी तो होना चाहिए आप बोल क्या रहे हो, आपको ये भी पता होना चाहिए स्टेटमेंट कहती क्या है। आप ना एक स्टेप तो लो समझने के लिए, बस आपको अंडर कास्टवर्ड दिखाई दे रहा कम कम कम, अरे ये तो देख लो वो क्या कह रहा है, वो बोल रहा है पेमेंट साइड, कैशबुक की पेमेंट साइड मतलब क्रेडिट साइड, डेबिट साइड को मैं रिसीट साइड बोलता हूँ, देख लेना कभी कैशबुक कराते टाइम लिखवाया होगा आपको, ये है पेमेंट साइड, कहता है ये 200 से कम है। अगर ये साइड 200 से कम है बेटा, इसका मतलब मेरा बैलेंस मैंने 200 से ज़्यादा दिखा रखा है, तो बेटा कैशबुक मेरी ज़्यादा है 200 से, और अगर कैशबुक मेरी 200 से ज़्यादा है इसका मतलब क्या करो 200 रुपए से कम कर दो, कितना सिंपल है सोचना। पेमेंट साइड कम है, देख इधर देख, अगर वो बोल रहा है पेमेंट साइड कम है इसका मतलब रिसीट साइड ज़्यादा है, और अगर रिसीट साइड ज़्यादा है मतलब बैलेंस ज़्यादा है, और अगर बैलेंस ज़्यादा है तो कम कर दो ना बेटा, इतना ही आसान है सोचना, कैसे भी सोच ले, ठीक है स्नेहा समझ आई बात। अच्छा अभी देखेंगे, लो जी बेटा सॉरी कहाँ लिख दिया मैंने, 200 से कम करना है बेटा, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वाज अंडर कास्ट। चलो जी लास्ट वन, ये बताएगी स्नेहा ही बता देगी और क्या, आप बी आर फॉर 10,000 डिस्काउंटेड विद द बैंक इन नवंबर 19, डिसऑनर्ड ऑन 31st of December 2019, बट द डिसऑनर वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन अ बुक ऑफ इन द कैश बुक। मैं एनालिसिस पूरा कराऊंगा, क्यों कैश बुक कैसे ज्यादा है, डिसऑनर हुआ है कैशबुक एंटर, तो कैशबुक में प्लस कैसे है, कैसे कब ज्यादा हुई, बस ये ना नीचे से सॉल्यूशन प्लस माइनस देखा उसके हिसाब से मोल्ड करा अपनी स्टेटमेंट को। चलो जी है ना, समझा फिर आज सब समझने के लिए तेरा इंतजार कर रहे हैं, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको आज तक मैंने नहीं समझाया,
जान के समझ रहा हूँ मैं तो तुम्हारे से, मैंने ही नहीं समझाई ये बात अब तक और तुम समझाने बैठ रहे हो। मैं पक्का बता रहा हूँ, ये जितनी स्टेटमेंट लिखे इसमें से सर मैंने आधी समझा रखी, आधी स्टेटमेंट मैंने आज तक आपके सामने नहीं बोली होगी। चलो जी अब सामने देख लो जरा थोड़ी देर। मैं 12th क्लास में भी ऐसे ही करता हूँ, जो चीज़ें पढ़ाता नहीं वही बच्चों से कह देता हूँ ये सुना, आधे नहीं ठल्लो को ये भी नहीं पता होता मैंने पढ़ाई नहीं, वो भी समझाने बैठ जाते हैं मुझे, ये कैसे समझाने बैठी तू मेरे को, बस नीचे से सॉल्यूशन देखा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी बस करे जाओ। चलो सामने देखना बेटा, आप कोई पर्सन है मिस्टर ए, आपने बेटा गुड्स बेचा है बी को, जब मैंने उधार पे बी को गुड्स बेचा होगा मैंने एंट्री क्या की होगी, बी टू सेल्स। सामने देख लो खुशी, वरना ये भी निकलेगा हाथ से, मैंने एंट्री क्या की होगी बी टू सेल्स। ओके बात बेटा, मैंने कहा बी मुझे तेरे ऊपर विश्वास नहीं है, कोर्ट में आगे एक्सेप्ट करके जाके तूने मेरी पेमेंट देनी है। बी ने कहा ठीक है। बेटा मैंने बिल लिखा, जब मैं बिल लिखता हूँ तो मैं एंट्री करता हूँ बी आर डेबिट टू बी, मैं बेटा बी को बुक से ख़त्म कर रहा हूँ, इनडायरेक्टली अपने डेटर को ख़त्म कर रहा हूँ, एक नई एसेट बना रहा हूँ बेटा जिसका नाम है बी बी आर। ओके बेटा मुझे पैसे की अर्जेंट ज़रूरत है, मैं बैंक गया, मैंने बैंक से कहा बैंक बिल आप रख लो, आप बी से पैसे ले लेना अपॉन मैच्योरिटी, मुझे आज पैसों की जरूरत है, मुझे आज ही दे दो। बैंक ने कहा आज ही जरूरत है, लो आज ले जाओ, लेकिन मैं इसके लिए कुछ चार्जेस काटूंगा। मान लो बेटा बी से मैंने 1,050 रुपये लेने, बैंक ने कहा 50 रुपये चार्जेस काटूंगा, मैं तो आपको 1,000 ही दूंगा। मैंने कहा ऐसा क्यों कर रहा है, कहता है एक मुझे तो एक महीने के बाद देगा बी, आप मुझसे आज पैसे ले जा रहे हो, मैं तो ब्याज चाहिए मुझे तो अपने, मैं 50 रुपये ब्याज कमाऊंगा। मैंने कहा बैंक तो ऐसा कर ले, कोई नहीं ला मुझे 1,000 दे दे, तू 1,050 ले ले। मान लो ऐसा कुछ किस्सा है, तो बेटा मैंने एंट्री क्या की होगी, सोचो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट का मतलब यहाँ पर बेटा बैंक चार्जेस से है, बेटा सारे खर्चे डेबिट होते हैं तो डिस्काउंट भी डेबिट हो गई, और टू बी आर, मैंने अपनी बुक से बी आर को ख़त्म कर दिया क्योंकि मेरे पास से वो बैंक के पास चले गए, मेरे पास तो पैसा आ गया। बेटा 1,000 रुपये मेरे आ गए, इस क्वेश्चन में बेटा डिस्काउंट कहीं नहीं दी गई, तो मैं मान लेता हूँ बी आर भी 1,000 रुपये का था, बैंक ने कोई चार्जेस नहीं काटे। अब सुनना, मेरे पास बिल था, मैंने बैंक को दे दिया, मैंने कहा बैंक तो अपने आप निकलवा लियो ना उससे, तो अपने आप निकलवा लियो बी से पैसे, मुझे क्या कह रहा है, ये बगड़ दो बिल। ओके बात बेटा मेरी तरफ देखो, मैंने बैंक बैलेंस 1,000 रुपये से बढ़ा दिया होगा, कैश बुक बढ़ रखी है 1,000 रुपये से, देख लो अच्छे से देख लो, बढ़ रखी है कि नहीं बढ़ रखी। अपॉन मैच्योरिटी एक महीने के बाद जब बैंक बी से पैसे मांगने गया, बी ने कहा मैं कंगाल हो चुका हूँ, ये बिल फाड़ के फेंक दे, डिसऑनर, मैं तो देता नहीं पैसे, वहाँ से पैसे नहीं आए, कैश बुक बढ़ी हुई है जबकि बेटा पासबुक में पैसा आया ही नहीं है, पासबुक कम की कम है, क्या होगा बेटा, कैशबुक बढ़ी हुई है पासबुक कम है, कैशबुक को कम कर लो। ओके बात, दूसरा तरीका बताऊं सोचने का, सुन लो अब ये बड़े काम की बात है बाबू, ऐसे केसेस में क्या होता है, जब बी ने पैसा नहीं दिया ना, बैंक ने पैसा किसको दिया था, मुझको दिया था ए को, बैंक ए से ही मांगता है पैसे कि मुझे तो तेरे से पैसे लेने हैं, और अगर मुझे देने हैं बेटा तो मेरा तो बैंक बैलेंस कम होगा ही होगा, तो कर दो कम बेटा 1,000 रुपये से बैंक बैलेंस, जैसे सोचा जा रहा है आपसे वैसे सोच लो। ओके अब दोबारा बोलूं, दो तरीके हैं सोचने के बेटा, ये स्टेटमेंट पूरी समझ आई ना आपको, कहता है आपने बैंक से बिल डिस्काउंट करा लिया इन नवंबर, कोई भी डेट देता है शायद नवंबर 2019 बोल रहा था, मैंने नवंबर 2019 में ही बैंक ने मुझे पैसे दे दिए, और जब दिसंबर में वो बी के पास गया तो बी ने कहा दिया मैं तो कंगाल हो चुका हूँ, मैं डिसऑनर हो चुका हूँ, मैं तो देता नहीं। आप कैश बुक में बैंक कॉलम बढ़ाकर बैठे हो बेटा कि 1,000 रुपये आ गए 1,000 रुपये आ गए, एक्चुअलिटी में बेटा आए नहीं, आप बढ़ाकर बैठे हो बेटा पासबुक में बड़े नहीं है, कैश बुक ज़्यादा है पासबुक कम है, क्या करूँ ठीक करने के लिए बेटा, कैश बुक को भी कम कर दो। दूसरी बात ऐसे सोच सकते हो बेटा, बैंक आपसे डिमांड करेगा कि 1,000 तू दे, मैंने तो तुझे दिए थे, मैं तो बी को जानता ही नहीं,
मैंने तो आपको दिए हुए हैं ना बेटा, तो अगर मुझे ही पे करने हैं और मैंने ही पे करे तो मेरा बैंक बैलेंस एक्चुअलिटी में कम हो जाएगा बेटा, तो मैं माइनस साइड वैसे भी रिकॉर्ड कर दूंगा कि 1000 चले गए मेरी जेब से, ठीक है ना। और बेटा लो, बी आर डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड, इसका पर्टिकुलर लिखना है, बी आर डिस्काउंटेड अर्लियर नाउ डिसऑनर्ड। चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट वन। खत्म हो गया था क्या? अच्छा खत्म भी हो गया था ये तो। चलो जी बेटा कैलकुलेट करना जरा, बैलेंस क्या आ रहा है आपका, बेटा प्लस साइड अगेन ज्यादा आ रही है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो एंडिंग पॉइंट वुड बी पासबुक, और डेबिट काम कर देंगे क्रेडिट, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्वेश्चन फिनिश। चलो जी बात करते हैं बेटा इली फाइव की। चलो जी बेटा अब बताए कि कशिश, कशिश दो तीन चीजें बतानी है तुझे, एक आधी से मेरा काम नहीं चल रहा, ठीक है जी। ऐसे आसान नहीं है चैप्टर ये, अरे तो थका हुआ चैप्टर है। चलो करें स्टार्ट कशिश। हाँ जी बताओ, फेवरेबल बैलेंस दे रखा है या अनफेवरेबल? लो जी डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, फोर थाउजेंड। कशिश एक और आइटम बता बेटा, दे हैड सेंट चेक फॉर 20,000 अमाउंटिंग टू ₹20,000 टू द बैंक बिफोर 30th June, बट इट अपियर फ्रॉम द कैश बुक That check worth ₹8,000 had been credited before that date. काम की बात, अपनी बारी में नहीं बोले जाने का, चुप हो जा। दो तीन बार में इसकी पहले ऐसे बैंड बजा चुका हूँ, अपनी बारी में बोल देने आता भी देख। चलो कल टेस्ट है। कितने रुपए से? होपलेस होगी ना, होपलेस हो रही है, दोबारा पढ़। पहले मतलब बता, कैश वो काम कौन सब छोड़ दो, पहले मतलब बता इस चीज का मतलब क्या होता है। दे हैड सेंट चेक अमाउंटेड टू ₹20,000 टू बैंक, आपने 20,000 के चेक बैंक में भेजे, अपने पास क्या करके भेजे, प्लस या माइनस? अपने पास प्लस करके भेजे, कितने रुपए के? ठीक है बैंक में क्या हुआ? कहता है बैंक पासबुक से पता लगता है कि बैंक ने ₹8,000 क्रेडिट किए हैं 30 जून से पहले पहले, मैं 30 जून को रिकनसाइल कर रहा हूं। कहता है बैंक ने, सामने देख बेटा, बैंक ने 30 जून से पहले पहले ₹8,000 प्लस करें, क्रेडिट करें। हमने कितने प्लस किए हैं? मेरे पास यानी कि 20,000 के चेक आए होंगे, मैंने बैंक में भेजे, मैंने कहा क्लियर हो ही जाएंगे, मैंने 20,000 से कैशबुक बढ़ा ली, बैंक कॉलम बढ़ा लिया। बेटा वहां पर अभी 8,000 के ही चेक क्लियर हो पाए। 30 जून को जब मैं रिकनसाइल करने बैठा लगा तो मैंने देखा यार मैं तो 20,000 प्लस करके बैठा हूं जबकि बैंक में 8,000 ही प्लस है, तो मैंने बेटा कैश बुक को 12,000 से फालतू प्लस कर रखा। और अगर मैंने प्लस कर रखा है तो क्या करूं ठीक करने के लिए? माइनस कर दो। आप अपोजिट ही बोल रहे थे, जल्दी मत करो। अगेन फिर एक बात बोलूं, चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट येट कलेक्टेड, आपको वो देखना है जो कलेक्ट नहीं हुए। 8,000 तो हो ही गए कलेक्ट, मुझे तो वो देखना है जो कलेक्ट नहीं हुए, 12,000 कलेक्ट नहीं हुए। खुशी जब मैं इसको समझा रहा था ना, एक मिनट भी आपने ऊपर नहीं देखा और आपको प्रॉब्लम आ जाएगी अभी 5 मिनट बाद इसी पॉइंट में। अभी पिछले क्वेश्चन में आप इसी पॉइंट में प्रॉब्लम लेकर आए हो। मैं एक बात हमेशा बोलता हूं, जब मैं समझा रहा हूं पेन नहीं चलना चाहिए और पेन रुका नहीं बेटा। लिखो जी, चेक सेंट फॉर कलेक्शन
बट नॉट येट कलेक्टेड। सॉरी, चलो जी आगे बढ़ना बेटा। नेक्स्ट वन स्नीत। स्नीत कहता है सिमिलरली आउट ऑफ द चेक 10,000 इशूड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून, चेक ऑफ रुपी 500 वर प्रेजेंटेड एंड पेड इन जुलाई। वेरी गुड, वेरी गुड पॉइंट। पढ़ना नहीं आता आपको? हाँ जी, बेटा सुन ले, 500 रुपए आएंगे, आप पढ़ ही नहीं रहे। अगर उसने इस बार प्रेजेंटेड दिया ना तो उसने जान के डेट जुलाई दे दी। पढ़ ले, मैं 30 जून को रिकॉन्सिलिएशन कर रहा हूं, बैठ कर देख। मैंने चेक इशू करा, किसी अपने क्रेडिटर को चेक काट के दे दिए बेटा 10,000 रुपए के। कहता है जून में 9,500 के प्रेजेंट हो गए होंगे, क्योंकि उसने बोला 500 रुपए का चेक जुलाई में प्रेजेंट हुआ, यानी कि जून में 9,500 प्रेजेंट हो चुके हैं ना। अगर हो चुके हैं तो बेटा 9,500 तो बैंक भी माइनस कर चुका होगा। सिर्फ 500 रुपए का चेक जुलाई में गया, इस बार उसने वर्ड प्रेजेंटेड दिया लेकिन जान के उसने मंथ जुलाई कर दिया। और अगर आप पढ़ोगे नहीं तो बेटा फिर वो रटने वाली कहानी शुरू कर दो। प्रेजेंटेड वर्ड आए तो ऐसे चिपकाना है, नॉट प्रेजेंटेड आए तो ऐसे चिपकाना है। ये मेरे को पता है, ये कहानी दौड़ेगी भी नहीं, दो दिन भी नहीं दौड़ेगी। क्वेश्चन गलत करके आओगे, 6 नंबर का आता है चैप्टर। पढ़ो, सांस लेके, लिखते टाइम टाइम नहीं लगाना लेकिन पढ़ते टाइम सारा टाइम लगा दो। तो बेटा अगर 500 रुपए के चेक जुलाई में प्रेजेंट हुए हैं, दैट सिंपली मींस कि जून तक 9,500 के चेक प्रेजेंट हो चुके हैं। अगर प्रेजेंट हो चुके हैं तो बैंक भी पे कर चुका होगा। मैंने 10,000 कम किए हैं, बैंक ने 9,500, तो कैशबुक ज़्यादा कम है। अभी कैशबुक कम होगी, पासबुक ज़्यादा। कैशबुक कम है तो ठीक करने के लिए क्या करो, प्लस कर दो। सॉरी, लो जी चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट वन राघव। द पासबुक ऑल्सो शोड द फॉलोइंग पेमेंट, 640 एस प्रीमियम ऑन लाइफ इंश्योरेंस अकॉर्डिंग टू SI और 4,000 अगेंस्ट द प्रो नोट एज पर इंस्ट्रक्शन। तो छोड़ प्रो नोट क्या होता है, तुझे बता रहा हूँ दोनों खर्चे हैं जो बैंक ने कर दिए, बस तू ये बता। बेटा बैंक ने खर्चे कर दिए हैं मेरी SI के अकॉर्डिंग, तो बेटा पासबुक कम हो गई होगी जबकि कैशबुक ज़्यादा शो कर रही होगी। अगर कैशबुक ज़्यादा शो कर रही है तो उसको क्या करो बेटा, कम कर दो। ओके है जी बात बाबू। LIP प्लस प्रो नोट दोनों को इकट्ठे दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है जी, मैं दोनों को इकट्ठे दिखा रहा हूँ। LIP प्लस 4 प्रो नोट 4640 बेटा, 640 और 4000 है। हाँ तो क्या हो गया, अलग अलग दिखा दो। मेरे को लगा कि एक पर्टिकुलर बचा लेता हूँ मैं आपका, मम्मी भी तो डांटती है कॉपी जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो चलो जी आगे बढ़ना। वंश, वंश भाई कहता है पासबुक शोड that bank had collected 1200 as interest on government security. पासबुक से पता लगा कि बैंक ने मेरे व्यापार 1200 का ब्याज कलेक्ट कर लिया है, तो क्या होगा? और बिल्कुल ऑब्वियस है बेटा, अगर बैंक मेरे व्यापार इंटरेस्ट कलेक्ट करके बैठा है, मुझे पता भी नहीं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट भी आ गया, मैंने गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रखा ही है, मुझे पता 1200 का ब्याज आ गया वहां से, पासबुक बढ़ गई होगी बेटा जबकि कैशबुक कम होगी। कैशबुक कम होगी तो ठीक करने के लिए बेटा प्लस कर दो। लो जी इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। आगे बढ़ते हैं बेटा। बैंक हैड चार्ज इंटरेस्ट 100 एंड बैंक चार्जेस 40, देयर वाज नो एंट्री इन द कैशबुक फॉर द पेमेंट इंटरेस्ट एटसेट्रा। क्या करूं सान्य इसका? बिल्कुल,
बेटा बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया, बैंक चार्जेस चार्ज किए, तो ₹140 से कैश पासबुक कम होगी होगी बेटा, जैसे ही बैंक ने चार्ज किया मुझे लेकिन पता भी नहीं लगा, तो कैश बुक तो मेरी अभी भी ज़्यादा चल रही होगी। ठीक करने के लिए क्या करूँगा, मैं भी कम कर दूंगा। मैं इकट्ठा लिख रहा हूँ बेटा, ये 140 मैंने लिखा, नाम लिख रहा हूँ इंटरेस्ट प्लस बैंक चार्जेस। बैलेंसेस निकालेंगे बेटा, आप भी और मैं भी दोनों। मुझे लग रहा है इस बार बेटा बैलेंस एडवर्स आएगा। ₹16,780 और ₹5,700 यानी कि ₹10,080 नहीं ₹11,080। अब एक पहली बार हो रहा है आपके सामने, देखना जरा मेरी तरफ, मेरी तरफ देखना बेटा, ये पहली बार कर रहे हैं हम। बेटा माइनस आइटम ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्लस आइटम, बैलेंस जरूर प्लस आइटम में लिख रहे हैं हम बेटा, लेकिन ये माइनस आइटम ज़्यादा है। देखो अगर स्टार्टिंग पॉइंट आपका कैश बुक है तो एंडिंग पॉइंट शुड बी पासबुक, लेकिन बेटा अगर माइनस साइड ज़्यादा है दैट मीन्स इट इज अनफेवरेबल टू मी। लिखो सीधा अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, या तो ये लिखो, या अनफेवरेबल क्या होता है पासबुक का, डेबिट। तो बेटा डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक या अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है जी। इलस्ट्रेशन नंबर 3, 4, 5 हमने करे, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 आपके लिए होमवर्क है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।